हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देखने वाले हैं इस वीडियो में अभी आप राइट नाउ किस एनर्जीज में हो, जिस ऊर्जा में आप अभी हो, तो आप आने वाले समय में अपने लिए क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। जिस ऊर्जा में आप अभी बने हुए हैं उसमें आप आने वाले वक्त में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर कुछ वहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो क्या है हम वो भी देखेंगे। डिवाइन की तरफ से आपके लिए इस समय के लिए क्या गाइडेंस है हम वो भी देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बात कहना चाहूँगी गाइस, अगर ये वीडियो आपसे कनेक्ट होती है, ये रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है, कितनी आपसे कनेक्ट हुई है, ठीक है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। ओके, अब ये जो रीडिंग है ये जर्नल रीडिंग है, तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें, ठीक है। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन से आपको कनेक्शन बना के रखना है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर आपको बताने वाली है कि जो भी मैसेजेस यहाँ पर दिए जाएंगे वो आपके किस एरिया में जाने हैं, कहाँ कनेक्ट करने हैं, तो वहाँ उन मैसेजेस को लेने की कोशिश कीजिएगा और गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माँ दुर्गा। जस्ट गिव गाइड्स प्लीज बताएं। एरीज मिश्रा शिवाली, बॉटम ऑफ द डेक है हैंडमैन, ओके। फर्स्ट कार्ड है आपका सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सेकेंड कार्ड है आपका नाइन ऑफ सोर्ड्स, थर्ड है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स। Queen of Cups, Hermit, Justice, okay. Let's see more. Two of Cups, Two of Swords and Ace of Pentacle. ये है Page of Pentacle. Okay. Knight of Wands, bottom of the deck. My dear Aries, तो यहाँ पर जो आपकी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है अभी आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मुझे इंट्रोस्पेक्ट करने से ज़्यादा ना आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूबे हुए हो इस वक्त। किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप कुछ अपने जीवन में बदलना चाहते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ बदलाव आप अपने जीवन में चाहते हो,
मे बी ये जॉब शिफ्ट हो सकता है, या फिर कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है कि कुछ तो चेंज करना आप चाहते हो, और आप अपनी, मैं कहूँगी थॉट्स में भी यही चल रहा है, और आप अपनी आपके अंदर से जैसे आपको फीलिंग भी वैसी आ रही है कि मुझे इस वक्त इस सिचुएशन को चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर इस करियर को चेंज करने की ज़रूरत है, या अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, इस चीज़ के साथ मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कुछ आपके दिमाग में चल रहा है इस समय, कुछ आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको डिसीज़न लेना है, आपको एक्शन लेना है, मे बी आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं, दो चॉइसेस हो सकते हैं, दो से ज़्यादा चॉइसेस भी हो सकते हैं कि किस तरफ मुझे बढ़ना है, किस तरफ मुझे नहीं जाना है, मुझे क्या करना है इस सिचुएशन में, मुझे क्या करना है। तो वो उन सिचुएशन उन चीज़ों में टैप इन करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो इस समय में। आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग के साथ कनेक्टेड हो, थॉट्स में घुसे हुए हो, ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, और आपको डिवाइन यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि इस वक्त में जितना आप बैलेंस मेंटेन करके रखोगे उतना आपको आगे जा करके रास्ता मिलेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस की एनर्जीज है डेफिनेटली आपके जीवन में ना। अगर आपको कहीं पर इनजस्टिस लग रहा है कि मेरे जीवन में इनजस्टिस नहीं हुआ था, तो आने वाले समय में, ठीक है, आने वाले समय में विद इन 6 मंथ्स आपके साथ यहाँ पर जस्टिस होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चीज़ें बैलेंस होंगी, अब वो आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, चाहे आप करियर को लेकर के देख रहे हैं, मनी को लेकर के देख रहे हैं, रिश्तों को लेकर के देख रहे हैं, या फिर ये कोई भी चीज़ हो सकती है। इवन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जस्टिस की ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर कुछ लोग अपने लिए, अगर आपका कुछ कोर्ट से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज चल रहे थे, या फिर कुछ चीज़ें चल रही थी, और वहाँ से भी अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें मेरी तरफ नहीं जा रही हैं, या फिर मुझे इनका रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है, चीज़ें अटक रही थी बेसिकली, तो वहाँ पर भी कुछ रिजल्ट्स आते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, आपको लेकिन यहाँ पर इस समय डिवाइन क्या कह रहे हैं कि आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है। किस चीज़ में बैलेंस मेंटेन करके रखना है, देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहली बात तो दिल और दिमाग में बैलेंस बिठा करके रखना है। कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है, तो आप उन्हीं चीज़ों में कन्फ्यूज़ हुए हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ आगे बढ़ूँ, किस तरफ आगे नहीं बढ़ूँ, जिसे कहते हैं ना स्टक सिचुएशन हो जानी, मुझे किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, मेरा दिल कुछ और कह रहा है, मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है, मैं किस चीज़ को चूज़ करूँ, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कोई गाइडेंस है आपके लिए, कोई पर्सन हो सकता है, स्पेसिफिक कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की ऊर्जा है। यहाँ पर भी सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ अगर आप देखोगे ये हर्मिट की ही ऊर्जा है, ठीक है। कोई पर्सन एग्जैक्टली आपको किसी ना किसी माध्यम से या किसी की तरह से आपको गाइड कर सकता है, तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिससे आप गाइडेंस प्राप्त कर सकते हो, वो आपकी मदर हो सकती हैं, वो आपके टीचर हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके फादर हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, वो कोई एक टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, वो कोई भी, वो कोई एक टीचर हो सकता है। कहने का मतलब आपको उनकी गाइडेंस को लेने की ज़रूरत है, ठीक है, उनकी गाइडेंस लीजिए, गाइडेंस आपकी तरफ आ रही है, गाइडेंस आपके पास आपके आसपास ही है, बस आपको उस पर गौर फरमाने की ज़रूरत है, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस मेंटेन करना अपनी लाइफ में, आपको अपनी ज़िंदगी में भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है। थोड़ा मुझे लग रहा है कि आप लोग ना एरीज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो रहे हो, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इमोशंस यहाँ पर थोड़े से ऑफ मुझे नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सा डिवाइन आपको यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि रिश्तों की तरफ भी फोकस कीजिए, अपनी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा टैप इन कीजिए, वहाँ पर भी बैलेंस बिठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में देखिए जस्टिस कार्ड का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, कि जो आप जैसा कर रहे हो ना वैसा ही आपको प्राप्त होगा, न्याय होगा बेसिकली, आप उसे अन्याय नहीं कह सकते। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप राइट नाउ की ऊर्जा में आप क्या कर रहे हो, क्या आप अपने साथ न्याय कर रहे हो, क्या आप खुद के साथ न्याय कर रहे हो, क्या आपके जीवन में बैलेंस है, ठीक है, यहाँ पर बैलेंस की ऊर्जा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि मेरी लाइफ में कहाँ कहाँ मैं इम्बैलेंस हूँ, चाहे वो रिश्तों की बात हो, करियर की बात हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो आपकी मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ की बात ही क्यों नहीं हो, तो आपको चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करके रखना है। और अपने आप को गाइडेंस के लिए
अपने आप को हेल्प के लिए ओपन करके रखना है। आने वाले समय में विद इन सिक्स मंथ्स में किसी चीज़ की नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। मे बी कुछ आप नया शुरू कर रहे हो, किसी के साथ पार्टनरशिप में आ रहे हो, या फिर आप कुछ नया सीख रहे हो, या फिर मतलब कुछ आपको जैसे रास्ता दिखेगा, कुछ आपको पाथ दिखेगा जिस पर आप आगे चलोगे, जहाँ आपके साथ जस्टिस होगा, जहाँ आपके जीवन में जस्टिस होगा। जिन चीज़ों की कमी को आप अभी फील कर रहे हो ना, कि जिस एरिया में भी बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है कि इस एरिया में मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, या फिर इस एरिया में, इस स्पेसिफिक सिचुएशन में, या स्पेसिफिक एरिया में, इस स्पेसिफिक एस्पेक्ट में मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वहां पर न्याय आता हुआ मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। ठीक है, लेट्स सी। और मैं यहां पर देखना चाहती हूं आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या मैसेज है आपको डिवाइन देना चाहते हैं इस समय के लिए एरीज। ओके, एक कार्ड आना चाहता था। ओके, मेक अ डिसीजन। फीलिंग स्टक और इंडिसिसिव, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मेक अ डिसीजन। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। ये गाइडेंस जो है ना आपके अंदर से भी बखूबी आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन पढ़ना, इस समय आपको डाउट नहीं करना है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको गाइड कर रही है, आपकी हायर सेल्फ आपको यहाँ पर गाइड कर रही है, तो उसको सुनो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं कह रही हूँ ना कि आप जैसे स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा आप किस तरफ आगे बढ़ो, क्या आपके लिए सही है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कौन सा रास्ता आपके लिए गलत है, तो वहाँ आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है किसी चीज़ के बारे में, बस आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इंट्रोस्पेक्ट करना है, आपको अपने आप से कनेक्ट करना है। आराम से बैठिए, आइज क्लोज कीजिए, कोई ब्यूटीफुल सा मेडिटेटिव म्यूजिक लगाइए, एसेंस को बर्न कीजिए, थोड़ा अच्छा सा माहौल क्रिएट कीजिए, देन अपनी आइज को क्लोज कीजिए और बस आप ध्यान में जाइए, थोड़ी देर अपने मन को शांत कीजिए। क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, जब तक आपके ये विचार आना जाना बंद नहीं करेंगे ना, तब तक आप अपनी इंट्यूशन को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को आप सुन नहीं पाओगे, आप वो रास्ते को उसे चूज नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी डिसीजन लेना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। कहीं पर भी स्टक हो, निकल नहीं पा रहे हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। इस समय आपकी इंट्यूशन बहुत हाई पीक पर है, पर ज़रूरी है इन थॉट्स को रिमूव करने की, ज़रूरी है इन थॉट्स से बाहर आने की, ज़रूरी है आपको अपने आप से कनेक्ट होने की। अब आप मुझसे ये बोलेंगे कि मैं कैसे कनेक्ट हूँ, जब थॉट्स इतने सारे आ रहे हैं, मैं आइज़ क्लोज करूँगा या करूँगी तो मेरे अंदर थॉट्स इतने सारे चलेंगे। तो अपनी सांसों पर आपको फोकस करना है, जो आप सांस ले रहे हो, जो आप सांस छोड़ रहे हो, उस पर फोकस कीजिए। उसमें भी आपके अंदर थॉट्स चलेंगे, लेकिन आपको उस समय हार नहीं माननी है। जैसे ही आपको ध्यान आता है कि ओके, मेरे अंदर विचार आने शुरू हो गए, इट्स ओके, वहां पर आपको पैनिक नहीं होना है कि मैंने गलत कर दिया या मैंने सब गलत कर दिया, मैं ध्यान से भटक गया या भटक गए, नहीं। उस समय फिर से आपको अपनी सांसों पर फोकस करने की जरूरत है, सांसों पर ध्यान देने की जरूरत है। बस सांसों पर ध्यान दीजिए, आप धीरे धीरे अपने आप ध्यान में चले जाओगे। तो अभी स्टार्टिंग आपको इसी से ही करनी है। अगर आपको, क्योंकि जब हम सांसों पर फोकस करने लग जाते हैं, उन पर ध्यान कि किस तरीके से सांस आ रही है, किस तरीके से सांस जा रही है, आप अपनी नोज के आगे फिंगर भी रख सकते हो। ओके, आपको बस फील करना है कि आ रही है, जा रही है, उस पर फोकस करेंगे, धीरे धीरे थॉट्स अपने आप चले जाएंगे। और हमेशा ये ऐसा कोई जादू या छू मंतर नहीं हो जाता है कि तुरंत आप बैठे तुरंत ऐसा कुछ हो गया। प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए, करेंगे डेफिनेटली होगा। डिवाइन को बोलिए, अपनी स्पिरिट टीम को बोलिए कि वो आपकी सिचुएशन में मदद करें। बिलीव मी, जब आप उनसे मदद मांगते हो, और मदद तो आपके लिए अवेलेबल है, जब आप उनसे मदद मांगते हैं तो वो आपकी मदद के लिए ज़रूर आते हैं। ठीक है, जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठे, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको मेडिटेशन में मदद करे, आपको ध्यान लगाने में मदद करे, आपको उनसे कनेक्ट करने में मदद करे, आपको आपके इंट्यूशन से कनेक्ट होने में मदद करे। और जो भी आपके अंदर चल रहा है ना, जिस भी चीज़ को बेसिकली लेकर के आप कन्फ्यूज़ हो, उनको बोलो, आप उनको आपको बोलना है और उनसे गाइडेंस मांगनी है, उनसे मांगना है कि आपको वो रास्ता दिखाएं, आपको वो चूज़ करवाएं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। और इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी पैनिक मत हुए
होइएगा या फिर आपको ना बेसिकली पेशेंस लाने की ज़रूरत होगी इस मोमेंट पर। ये पेशेंस का काम है, ये जल्दबाजी का काम नहीं है, ये एक दो दिन का, तीन चार दिन का काम नहीं है, इसमें वक्त लगता है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू एंड पॉजिटिव न्यू एक्सपीरियंसेस आर ऑन द होराइज़न। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए क्योंकि आप पॉजिटिविटी की तरफ, बैलेंस की तरफ, न्याय की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। तो जो कुछ आपके जीवन में हो चुका वो पास्ट था, अब उससे बाहर आ जाओ, वो निकल चुका, अब वैसा बुरा आपके जीवन में नहीं होगा, अब आप अच्छे और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस लेंगे, ठीक है, आने वाले समय में। ओके ब्रेक। ओके, तो आप जो है सक्सेस की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको भी पॉजिटिव सोचना है, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखना है, इस तरह की नाइन ऑफ सोर्ड्स वाली ऊर्जा से आपको बाहर आना है। ओ माय गॉड, पॉजिटिव एनर्जी, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल इन सिचुएशंस एंड अवॉइड नेगेटिविटी। यस, आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इस समय ज़रूरी है कि आप ऐसी जगह पर रहें या ऐसे लोगों के बीच में रहें जो आपको पॉजिटिव करें, ठीक है। तो अपने सराउंडिंग में देखिए, अपने आसपास देखिए कैसे लोगों के साथ आप घिरे हुए हैं, कैसी सिचुएशन है। तो नेगेटिविटी को, नेगेटिव माहौल को, नेगेटिव सिचुएशंस को आपको अवॉइड करना है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना है। इस समय में जितना हो सके ना पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कीजिए, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए अपने आप को, जिस तरह से भी आप मोटिवेट कर सकते हो ना, इनकरेज कर सकते हो, अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, वो सब काम आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। पानी आप ज़्यादा से, अगर आपकी आदत है ना पानी कम पीते हो तो प्लीज़ पानी ज़्यादा पीजिए। पानी पीने से होता क्या है कि टॉक्सिसिटी आपकी बाहर निकल जाती है। पानी ज़्यादा पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जॉगिंग कीजिए, अपनी बॉडी को मूव कीजिए जितना कर सकते हैं, डांस करना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है जो आपके अंदर पॉजिटिविटी को भरे, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है फादर हीलिंग। तो यहाँ पर किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, जिनसे भी ये कनेक्ट हो रहा हो, रेजोनेट कर रहा हो, वहीं लें। योर पर्सनल पावर इंक्रीज एज यू गिव एज फादर रिलेटेड इशूज टू हेवन। तो यहाँ पर इस समय आपके जीवन में ना, मतलब मे बी आपके फादर से आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हो, आपके फादर से आपके रिश्ते खराब हो, ठीक है, कोई फादर फिगर हो सकती हैं या फादर, स्पेसिफिक फादर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो उनको लेकर के भी यहाँ पर हीलिंग आती हुई आपके जीवन में यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। तो डोंट वरी, चीज़ें हील होंगी, बस आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, आप अपने आप में पैनिक मत होइए, ओवर थिंकिंग में मत जाइए, आपको डिवाइन यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं। मैं आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स यहाँ पर निकालना चाहती हूँ गाइस। अपनी एनर्जीज को ना हाई करो, पॉजिटिव करो एरीज, ठीक है, और अपने जीवन में बैलेंस मेंटेन करो, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इस समय अपने जीवन में बैलेंस नहीं लेकर के आओगे तो फिर आप वही मैनिफेस्ट करोगे ना जो आप कर रहे हो, इम्बैलेंस, क्योंकि न्याय का कार्ड है आपके लिए। तो न्याय वही होगा, वैसा ही होगा जैसा आप कर रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये आपके लिए एक अलर्ट टाइम भी है कि इस समय आपको नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर आने की सख्त ज़रूरत है। और कोई मैसेज है जो आप गाइडेंस या मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं एरीज मेष राशि वालों को, प्लीज़ बताएं। इतने सारे मैसेज नहीं लेने वाली मैं, प्लीज़। ओके, गॉडेस ऑफ सेक्रेट पाथ, लेट गो ऑफ लॉजिक एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। भाई आप लोग ना एरीज में भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडसेट के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, बहुत ज़्यादा लॉजिक को यूज़ करते हो। तो यहाँ पर इस समय आपके जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको यहाँ पर बोल रही है कि ये वक्त ना लॉजिक का नहीं है, इस समय आपको अपने लॉजिक माइंडसेट को साइड में करना है। अगर आप अपने माइंडसेट के साथ जाओगे, थॉट्स के साथ जाओगे, लॉजिक के साथ जाओगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ो तो इस समय अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो। अगर आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है तो यहाँ पर लॉजिक काम नहीं, तो लॉजिक को इस समय किनारे कर दीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपके पास ना आपकी इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए यहाँ पर 4 कार्ड्स हैं, ठीक है, 4 नहीं 5 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, तो ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है। अगर आपसे ये मैसेज कनेक्ट हो रहा है तो प्लीज़ फॉलो करो गाइस। और कैंसल, क्लियर, डिलीट, यस, आपके लिए वही मैसेज रिपीट हो रहा है, यूज़ ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट्स। आपको बोला जा रहा है आप अपने मुंह से क्या निकाल रहे हो, आप कैसा बोल रहे हो,
चाहे वो किसी के लिए है, चाहे वो अपने लिए ही क्यों नहीं हो। तो पॉजिटिव आपको रहना है, नेगेटिविटी को आपको रिलीज़ करना है अपने जीवन से, ठीक है। थॉट्स आपको अपने पॉजिटिव करनी है। मिरर एक्सरसाइज आप कर सकते हो, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए। दे आर रैपिडली मैनिफेस्ट इनटू फॉर्म। ओ माय गॉड, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। ये आपके लिए रेड अलर्ट है, ये आपके लिए एक वार्निंग है। एरीज मेष राशि, आपको बोला जा रहा है आप जो बोल रहे हो अगर वो नेगेटिव है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं नेगेटिव बहुत ज़्यादा बोलती हूँ या बोलता हूँ, तो प्लीज़ ये रेड अलर्ट है आपके लिए। क्योंकि जैसा आप बोल रहे हो, जैसा आप थॉट्स ला रहे हो, वो चीज़ें बहुत ही स्पीडली मैनिफेस्ट हो रही हैं आपके जीवन से। मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर कि जस्टिस का कार्ड है माय डियर। जो करोगे ना, जैसा इस समय करोगे, ये बेसिकली एक बीज बोने वाला समय है, वही आप मैनिफेस्ट करोगे। और वैसे भी ये जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है, हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, ओके, ये रीडिंग टाइमलेस है, लेकिन जब मैं ये रीडिंग बना रही हूँ तो नेक्स्ट मंथ हमारा अगस्त का मंथ है, जो कि 8 नंबर का कार्ड होता है शनि देव जी का, 8 नंबर है वो, और शनि देव जी का मंथ है। तो उसमें आप जैसा कर्म करोगे, जैसे एनर्जीज में रहोगे, वैसी चीज़ों को बेसिकली आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, ठीक है। आगे है, आस्क द एंजल टू कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। अगर आप पास्ट के किसी नेगेटिव ऊर्जा में अटके हुए हो, पास्ट की कोई सोच ऐसी आ रही है, तो आप अपनी स्पिरिचुअल टीम का सहारा लीजिए। मैं अभी आपको एग्जैक्टली क्या बोल रही थी एरीज, कि आपकी डिवाइन टीम, आप एक बारी उनसे मदद मांगिए, वो आपकी मदद के लिए अवेलेबल है, वो आपकी मदद के लिए खड़े हुए हैं। बस आपको उनसे प्रार्थना करने की ज़रूरत है, या फिर उनको एक मैं ऑर्डर नहीं बोलूँगी यहाँ पर, हाँ उनको आपको परमिशन देने की ज़रूरत है कि वो आपके जीवन में आए और वो आपकी मदद करें। जिस भी फॉर्म में, जहाँ पर भी अटके हुए हो, जहाँ पर भी चाहिए, चाहे वो लाइफ की कोई छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, जो भी हो, आप उनसे मदद मांगिए, ठीक है। ये जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, इनको रिलीज़ करने में और आपको पॉजिटिव करने में उनकी मदद मांगिए, वो डेफिनेटली आपकी यहाँ पर मदद करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, मुझे ये कार्ड बहुत दिख रहा है, मून। ओ माय गॉड, देखो मूड स्विंग्स आपके बहुत ज़्यादा इस समय हो रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ ना कि जिस तरह से आप थॉट, जितने आपके थॉट्स चल रहे हैं, जिस हिसाब से आपका दिमाग चल रहा है, या फिर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं ना, आप अपनी इंट्यूशन से कैसे कनेक्ट होगे? आपको भी डिवाइन यहाँ पर यही बोलना चाह रहे हैं। तो इस समय अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है, और जो साइंस आपको डिवाइन दिखा रहे हैं, भले ही वो ये वीडियो के माध्यम से हो रहा हो, आपको लग रहा है कि यस ये ऊर्जा मेरे से कनेक्ट हो रही है, मैं अभी इसी सिचुएशन में हूँ, तो इन्हें इग्नोर मत करो, ठीक है। आपको इन्हें इग्नोर नहीं करना है, इन पर आपको फोकस करना है, अटेंशन इन पर देनी है, और इन उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है, अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। और बिना बात के जो सोच है उससे आप दूर रहिए। किसी तरह का डर में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने ऊपर काम कीजिए, डिवाइन को इन्वॉक कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल टीम को, आध्यात्मिक टीम को आप इन्वॉक कीजिए, उनको बुलाइए, डेफिनेटली वो आपकी मदद करेंगे, ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यस माय डियर, ओ माय गॉड, इरेज सी। अब आप खुद सोचो कि कितने आप उसमें हो, जिनकी भी ये एनर्जीज मैंने पिक करी है, आप लोग बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, नहीं, आपके लिए रेड अलर्ट है, वार्निंग है आपके लिए, आ गई है आपके लिए वार्निंग, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है 666 वार्निंग ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, रीफोकस एंड रिटर्न टू पर्पस। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जिसे कहते हैं कि मैजिशियन कार्ड प्रेजेंट नहीं है, पर उसकी पूरी एनर्जीज है यहाँ पर। इस समय आप जो सोचोगे, जैसे थॉट्स लाओगे, जैसा करोगे, जैसा बोलोगे, उन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा नहीं, पूरी तरीके से यहाँ पर बैलेंस में आ जाओ। आप अपने जीवन में बैलेंस में आ जाओगे, आप अपने थॉट्स को बैलेंस कर लोगे, तो बिलीव मी आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल टाइम आगे आ रहा है। विद इन 6 मंथ्स आप उसको देखोगे, अपनी लाइफ में बैलेंस आते हुए देखोगे, आपके साथ न्याय होता हुआ आप देखोगे, ओके। तो यस एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, कितनी कनेक्ट हुई है आपसे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।